हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे जुकाम अब तक ठीक नहीं हुई है और मैं फिर से जल्दी उठ गई हूँ। सुबह सुबह पता नहीं किसने डोरबेल बजा दी थी तो नींद खुल गई थी। और देखती हूँ, कल मुझे अपने घर जाना है, तब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उस चीज़ के लिए। तो आज जो भी काम है फटाफट करके मैं ऑफिस से आऊँगी, और कुछ सामान वगैरह लेने हैं मुझे, वो भी मैं लेते हुए आऊँगी मार्केट से। और कल मैं आप सबको अपने घर हरियाणा लेके जाऊँगी अपने साथ। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। और प्रीतिया कल कोई भी अपडेट नहीं आया, तो कोई भी ब्लॉग्स नहीं किए उन्होंने, तो मैंने किया जो किया है। तो अभी ब्रश कर लूँगी, फिर चाय पीऊँगी और चाय के टाइम पे आपसे मिलूँगी। चाय मेरी बन गई है, थोड़ा बाहर गई थी घूमने के लिए, बट बाहर में ठंड है अभी, तो वापस आ गई मैं और चाय मेरी बन गई है। तो मैं चाय के मज़े लूँगी और जो कुछ कपड़े वॉश करने हैं, कुछ आयरन करने हैं वो करूँगी, सारा काम ख़त्म करके जाऊँगी। जब हम बाहर रहते हैं ना अकेले कोई सिटी में, तो सारा काम खुद ब खुद करना होता है। घर पे तो क्या है, मम्मी कर देती हैं, खाना बना देती हैं, कपड़े वॉश कर देंगी वो अगर उनको दिखा दो। अदरवाइज़ अकेले रहना है तो सब कुछ खुद से ही करना होगा। तो इसलिए डेली कपड़े हो जाते हैं वॉश करने के लिए, आयरन करूँगी आज मैं। जो भी इम्पोर्टेंट काम है जो कि रहना नहीं चाहिए घर जाने से पहले, वो सारा मैं ख़त्म करके जाऊँगी। अभी तो मैं आपसे चाय में मिलती हूँ। मेरी चाय बन चुकी है और मेरी चाय से मैं आपको मिला देती हूँ। ये मेरी चाय और ये मैं, चाय और मैं, मस्त कॉम्बिनेशन है ना। ठंड में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। चाय बहुत अच्छी बनी है, बस उसमें आज मैं ब्लैक पेपर डालना भूल गई, अदरक ही डाली है, बट अच्छी बनी है। चाय पी लेते हैं, उसके बाद कुछ काम है थोड़ा बहुत, वो सब कर दूंगी। भाई सारा काम मैंने कर लिया है, अपने कपड़े वगैरह वॉश कर दिए हैं मैंने, कपड़ों में बहुत सारे कपड़ों में मैंने आयरन भी कर लिया है। अभी फटाफट शार लूँगी, रेडी होंगी, और मैं दादी से नहीं मिली आज, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लेट हो चुका है। बस शार लूँगी और ऑफिस निकलूँगी। और आज एक्साइटमेंट ज़्यादा है ऑफिस से वापस आने की, क्योंकि कल मुझे घर जाना है और आके पैकिंग करनी है मुझे। जल्दी से फटाफट मैं शार ले लेती हूँ। और मैंने ब्रेकफास्ट में आज मैगी खाया है, बहुत दिन के बाद मन कर गया कि मैगी खा लूँ, तो मैंने मैगी खा लिया, क्योंकि फटाफट मैगी बना ली मैंने। अभी थोड़ा मैं जा रही हूँ पार्लर, और उसके बाद मैं और वर्षा जाएंगे टैटू बनवाने के लिए। देखते हैं फर्स्ट टाइम टैटू बनवाएंगे वर्षा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है उनका। तो मैं थोड़ा पार्लर जाके आती हूँ, कुछ काम है, तो फिर मिलते हैं आपसे उस जाने के बाद। गाइस, मेरा काम हो चुका था पार्लर का, दीदी ने अच्छे से मेरा थ्रेडिंग वगैरह कर दी है, अब मैं निकलूँगी बस। गाइस, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, अभी सारा काम हो चुका है, बस आपको मैं पहुँच के फिर बात मिलती हूँ। उसके बाद हम जाएंगे वर्षा और मैं टैटू बनवाने के लिए, तब हम आपसे मिलते हैं। उसके बाद मैं आगे थी ग्रोसरी स्टोर कुछ सामान लेने के लिए, कुछ बिस्किट्स वगैरह, तो मैं ले के बस अभी घर निकलूँगी यहाँ से। ये पीजी के पास में ही है, रूम के पास में ही हमारे। मैं सामान लेके मैं वापस आ गई हूँ, जैसे मैं बैंक ग्रोसरी शॉप में आ गई हूँ वहाँ से आ गई हूँ, बस अभी वर्षा रेडी हो रही हूँ फिर हम निकल। गाइस, उसके बाद हम आ गए थे वी मार्ट पार्लर के बाद में, और देखते हैं यहाँ पे कुछ पसंद आता तो लेंगे हम यहाँ से, अदरवाइज हम चले जाएंगे, लेट्स सी क्या होता है। फाइनली अभी हम जा रहे हैं बाहर, हमें यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला, सो हम फाइनली जा रहे हैं यहाँ से। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ, और बाकी सब आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ कहाँ गई थी। मैं वी मार्ट गई थी, कुछ ग्रोसरी का सामान लिया, और मैंने बताया था कि हम टैटू बनवाने जाएंगे, तो वहाँ भी गए थे हम, बट वो वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि जिनके लिए ये टैटू बनवाया गया है उनके लिए एक सरप्राइज़ है,
तो इस सरप्राइज़ को हम अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जिनको सरप्राइज़ देना वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो अगर मैं कुछ अपलोड करूँगी तो उनको नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा और वो भी देखेंगे। तो जिस डेट पे सरप्राइज़ देना है उसके नेक्स्ट डे में ही अपलोड कर दूँगी मैं वीडियो, और आपको भी ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा टैटू बनाने का, और मैं टैटू कहाँ से बनाया है, कितनी रेंज में बनाया, कितना प्राइस उन्होंने लिया है हमसे। हम हर एक चीज़ में आपको बताऊँगी वहाँ के बारे में, कि आपका जाना अगर आप वहाँ पे जा भी सकते हो अगर आपका मन करे, क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे जा कर के, बट मैं अभी बता नहीं सकती, दिखा नहीं सकती कैसा क्या टैटू बनाया है। तो जिस दिन होगा बताना होगा उस दिन अपलोड कर दूँगी। और बाकी जो है मैंने डिनर वगैरह कर लिया है, और फ्रेंड को आज टैटू बनाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, वो डर रही थी, सारा डर ख़त्म हो गया उनका। और मैं आ गई थी, डिनर कर लिया था मैंने, सारी पैकिंग वगैरह कर ली है, कल घर जाना है, बहुत खुश हूँ मैं। सो क्या बोलूँ, मैं इतने ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ दिन से मन नहीं लग रहा था, तो फाइनली मैं घर जाऊँगी तो थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, तो वहाँ घूम के आऊँगी, फिर वापस आऊँगी तो अच्छा लगेगा मुझे। तो जा रही हूँ, और हम मिलते हैं कल आपसे। सो टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज प्रीजास ब्लॉग। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।